हे तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से माइनक्राफ्ट खेलेंगे और आज की इस वीडियो में हम ढूंढेंगे एक सवाना बायम और वहां से उठाएंगे एक ट्री सैपलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और निकलते हैं अपने लंबे सफर पर। Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many. So finally, हमने सारी की सारी तैयारी कर ली है और अब हम जाने वाले एक लंबे सफर पर। Find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. तो हम अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और यहाँ पे सामने की तरफ में ओशन है, तो अभी हम बोट्स बना के बोट्स पे जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक किनारा नहीं आता। I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I... तो काफी ज्यादा देर बोटिंग करने के बाद हमें ये वाली जगह मिली है जहाँ पे आइसी आइस है, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमें ढूंढनिया सवाना बायोम। Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let... उसी के करीब हमें एक और बायोम मिली है और यहाँ पर हम भाग के जाएंगे। तो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमने ये सोचा कि हमें ओशन के रास्ते से जाना चाहिए, तो हम फिर से चल पड़े। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control feeling in my bones. I'm coming for the coming for the हमने समाना बायम को ढूंढने के लिए जंगल पार किए, फिर पहाड़ पार किए और फिर ओशंस पार किए और फाइनली हमें समाना बायम मिल चुकी है। तो अभी यहाँ से इस विलेज को लूटते हैं और जो काम करने आए थे वो करके वापस घर का रास्ता फाड़ते हैं। So you wanna be my enemy. You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? फाइनली यहाँ से हमें अकेशा सैपलिंग मिल चुकी है और हमने सोचा है कि अपने घर के साथ एक छोटा सा अकेशा का जंगल बनाना चाहिए। और अब हम अपने घर चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पर। oh,
जाते जाते रास्ते में मुझे यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट नज़र आया, तो अभी तो इसे नहीं लूट सकते क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं है, तो फिर किसी ज़माने में इसे लूटेंगे। पूरी तैयारी के साथ आएंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ मैं इसके। काफी ज्यादा लंबे सफर के बाद मुझे फाइनली अपना घर नजर आ गया, तो अब आराम से सोएंगे 2 दिन। तो भाई अब बारी है डायमंड माइनिंग की, और हमने अपने फुल डायमंड आर्मर भी तो बनाने हैं। तो ये मैंने एक माइन बनाई है जो हमें सीधा कोऑर्डिनेट Y12 पे ले जाती है, वहाँ पे डायमंड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब हम काफ़ी ज़्यादा डायमंड एक बार में जमा कर लेंगे, और अपने टूल्स वगैरह भी हम डायमंड्स के करेंगे। तो यहाँ पे नीचे मैंने चेस्टिस वगैरह और ये क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस सब कुछ यहाँ पे रख दिया ताकि हमें किसी चीज़ की कमी ना पड़े। तो हम अब करने वाले हैं स्ट्रेट माइनिंग, तो स्टार्ट करते हैं। Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. तो ऑलमोस्ट 2 दिन माइन करने के बाद हमें फाइनली यहाँ पे डायमंड मिल गए, और जो दिल को खुशी हुई है ना, आय हाय 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 आय हाय 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 हाय। तो इन भाई साहब को यहाँ माइनिंग करते करते एक माइन शॉट मिल गई, और देखते हैं उस माइन शॉट में क्या है, कुछ डायमंड वायमंड मिलते हैं कि नहीं मिलते। भाई यहाँ पे चलते चलते हमें डायमंड मिल गए, और हमने इस डायमंड को अच्छी तरह से छीला, फिर इसे पकाया, मेरा मतलब अच्छी तरह से छीला और देखा कि आसपास लावा लुवा तो नहीं है। तो यहाँ पे इंटरनेट को एक मसला हो गया था, लेकिन रोल बाईसाइकिल भैया ने यहाँ से डायमंड उठा लिए थे, तो अब हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। तो इन भाई साहब को एक जगह से डायमंड मिले और इन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। इन्होंने कहा क्या यार डायमंड का क्या करना है, तो मुझे उस जगह का पता है, तो जाके उठाते हैं वो वाले डायमंड। तो हमें वो वाले डायमंड भी मिल गए, तो इन्हें माइन करके हम लग जाते हैं काम पे। तो भाई उसके बाद तो डायमंड खुद हमारे कदमों में गिरने लग पड़े। यही कोई 7-8 दिन माइनिंग करने के बाद हमारे पास 70 डायमंड हो चुके थे, 2 स्टैक गोल्ड के हो चुके थे, 3 स्टैक आयरन के हो चुके थे, और अब हम अमीर हो चुके थे। अब बारी थी अपने फुल डायमंड आर्मर बनाने की, तो हमने अपने फुल डायमंड आर्मर बनाए और 2 स्वॉर्ड्स बनाई। तो
फाइनली हमारे पास फुल डायमंड आर्मर आ चुके हैं और अब बारी है इनको एन्चेंट करने की, और वो हम करेंगे अपनी अगली एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।